हेलो बच्चों, मेरा नाम मुकेश चौहान है और आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ आपका जो पहला लेक्चर बचा हुआ था मल्टीप्लिकेशन और स्क्वायर मेथड का। तो उसका कुछ एक पार्ट बचा हुआ था जिसमें 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करना बताना था बता रहा हूँ। उसमें 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन छूटा हुआ था। जैसे मान लो कई लोगों ने पूछा कि अगर 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो कैसे करेंगे। मान लिया 1 3 2 है और 2 4, मान लो हमने 2 दे दिया, तो ये 3 डिजिट का लाइन मल्टीप्लिकेशन मेथड है। इसमें हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था और इसके पूरे इसके बारे में अगर पूरा हम जानना चाहते हैं तो पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। तो जैसे मान लिया हमने क्या बोला था कि ये पहला डिजिट है, 1 लाइन ड्रॉ किया, फिर इसके बाद तीसरा डिजिट है, 3 पैरेलल हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर देंगे, फिर 2 पेयर में लेकिन ड्रॉ कर लेंगे। जैसे मान लो ये 1 है तो 1 लाइन ड्रॉ किया, 3 है तो 3 लाइन, 2 है तो 2 लाइन, फिर क्या करेंगे वर्टिकल 2 लाइंस, ये 1 और 2, फिर यहाँ 4 है तो 1 2 3 और 4, ये 4 लाइन हो गया, फिर यहाँ 2 है तो 2 वर्टिकल लाइन। अब हमने क्या बताया था कि इन दो इसको ये काउंट करना है, ये कटिंग पॉइंट 1 2 3 और 4, यहाँ आपने 4 लिख दिया, 4 आंसर, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं। पेयरिंग मतलब घी वाले के साथ, ये गड़बड़ हो गया, घी वाले के साथ इसकी पेयरिंग करेंगे, फिर घी वाले के साथ ये वाले की पेयरिंग करेंगे, फिर इस वाले का इसके साथ पेयरिंग करेंगे और ये अकेला हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करते हैं, कटिंग पॉइंट देखते हैं। कटिंग पॉइंट इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 हुआ, फिर यहाँ कटिंग पॉइंट देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा 14, 14 का 4 लिखेंगे, अभी 1 कैरी बचेगा, तो 1 कैरी को हमने रहने दिया इसके लिए, तो ये हो जाएगा यहाँ पे देखिए 1 2, और उसके बाद 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, फिर 15 16 17 18, 18 और 1 कैरी था 19, 19 का 9, अभी भी 1 कैरी बचा है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं ये वाले कटिंग पॉइंट में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 और ये 1 कैरी बचा था, 11, 11 का 1 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप देखो कटिंग पॉइंट यहाँ पे कितना है, 2 है, तो 2 का ये 2 और एक 1 कैरी बचेगा, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा ये 1 3 2 × 2 4 2 का ये आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। ये एक यूनिक मेथड है, हमने इसके बारे में पिछले लेक्चर में पूरा डिटेल में बात किया था। अगर इन द केस जैसे मान लो इसमें बीच में कहीं जीरो भी आ जाता है, जैसे मान लीजिए अगर मैं इसी में बीच में कहीं जीरो ले लेता हूँ, मान लो हमने 3 को 0 बना लिया, ठीक है, 1 0 2 × 2 4 2 कर रहे हैं, हमको मल्टीप्लीकेशन करना है, तो हमने क्या किया, ये 1 लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। उसके बाद 0 को हमने पिछले लेक्चर में बताया था कैसे करते हैं, डॉटेड लाइन से, डॉटेड लाइन होंगे, फिर क्या करेंगे ये 2 हॉरिजेंटल लाइन, फिर इस 2 वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करेंगे, फिर ये 4 वर्टिकल लाइन, फिर इसके बाद ये 2 वर्टिकल लाइन। हम लोग क्या करते हैं, ये डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन है, फिर हम लोग क्या करते हैं इसको लिखते हैं ये वाले इस तरीके से, हमने आपको लिखना बताया था ये कितने कटिंग पॉइंट है, 1 2 3 और 4, ये हमने 4 लिख लिया। उसके बाद पेयरिंग करते हैं, ये इसके साथ इसका पेयरिंग, फिर इसके साथ ये 3 डिजिट हो जाएगा, 3 पेयर का बनाएंगे, फिर यहाँ पे ये वाला और फिर ये अकेला ऐसा। तो देखिए यहाँ कटिंग पॉइंट हमने 4 लिख लिया, अब यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8, और ये कटिंग पॉइंट हमने बोला था कि ये 0 माना जाता है, तो ये 8 और प्लस 0 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए 1 2 3 4, यहाँ कुछ नहीं आएगा, यहाँ आएगा, तो ये 4 और 2 6 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ आते हैं, यहाँ पे कोई कटिंग पॉइंट 0 माना जाता है, हमने बताया था, फिर यहाँ आ जाएगा 1 2 3 4, ये हो जाएगा 4 और इसके बाद यहाँ पे 2, तो इसका जो आंसर आएगा 2 4 6 8 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर कोई भी 0 वाला डिजिट है तो उसको कर सकते हैं। कई लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर यहाँ लास्ट में 0 आएगा तो क्या करेंगे, उसको भी कर सकते हो, लेकिन ज्यादा अच्छा है कि 0 को हटा दो और फिर 24 से मल्टीप्लाई करके लास्ट में 0 बना लो, वो भी आ जाएगा, लेकिन ज्यादा अच्छा है आप ऐसे ही कर लो, अगर लास्ट में 0 आता है तो यहाँ पे एक 0 इंक्लूड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये रहा आपका 3rd डिजिट का मल्टीप्लीकेशन बाई लाइन मल्टीप्लीकेशन मेथड का यूज करके हमने आपको बताया, और इसके बारे में जानना है तो आप पिछले लेक्चर को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा हमने आपको बताया था कि इसमें हम आपको रेशनल नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना सिखाऊंगा। देखिए सबसे ज्यादा, हालांकि आता सबको है,
देखिए जैसे मान लिया ये 3/4 है और हमने मान लिया 4/5 है, इन दोनों को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। चलो मैंने मान लिया पहले हम ऐड करना सिखा रहे हैं, तो जनरली क्या करते हैं लोग इसका और इसका एलसीएम लेते हैं, फिर एलसीएम मेथड से करते हैं, वो काफी लंबा है। तो हमने बताया कि ये 3/4 और 4/5 है, एलसीएम मेथड से अगर हम लोग करेंगे तो 5/4 = 20 हो जाएगा, इसको इसको मल्टीप्लाई करते हैं फिर ये करते हैं, वो लंबा मेथड हो जाता है। ये जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ किसी भी, चाहे वो फिजिक्स में आप यूज कर रहे हो, चाहे केमिस्ट्री में यूज कर रहे हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में आप यूज कर रहे हो, हम क्या करते हैं कि इनके डिनोमिनेटर को इक्वल करते हैं। जनरली अगर मान लो हम लोग ऐड करना हुआ, जैसे 3/2 है और ये 5/2 है, तो ऐड कैसे करते हैं, अगर ये दोनों डिनोमिनेटर सेम रहता है तो क्या करते हैं, यहाँ 2 लिख देते हैं और 3+5 लिख देते हैं, 8 हो जाता है, तो 8/2 हो जाता है यानी 4 आ जाता है। तो सेम प्रोसेस, इसी प्रोसेस को फॉलो करना, हमको क्या करना है डिनोमिनेटर को सेम करना है। अब ये डिनोमिनेटर सेम कैसे होगा, जो डिजिट यहाँ है ये जो डिजिट यहाँ है, आप कोशिश करो कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम कैसे करना है। अब वो चाहे किसी भी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़े या डिवाइड करना पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने क्या किया, चलो मान लो हमने इसमें ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बोलोगे 5 से ही क्यों, क्योंकि यहाँ पे 20 आ सकता है, यहाँ भी हमने 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 आ जाएगा। तो हमने क्या किया, 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और इस फ्रैक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसमें हमने क्या किया, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, उससे फायदा क्या हुआ, यहाँ भी 20 और यहाँ भी 20, तो हमने क्या कर दिया, 20 हो जाएगा। अब ये 5 × 3 = 15 हो जाएगा और एक 14 × 4 × 4 = 16 हो जाएगा, तो ये 16 और 15 क्या आ जाएगा, 31/20 आपका आ जाएगा। ये कितना हूं बड़ा फ्रैक्शन डिजिट हो, जैसे मान लो अगर ये हमने सिर्फ दो डिजिट को लिया, हमने मान लिया 1/2 + 3/5 + 1/8 + 2/16 + 1/5 ले लिया, ऐसे इतने सारे डिजिट हैं और सबको हमको ऐड करना है, तो हम इतना लंबा प्रोसेस करने से अच्छा ये है कि हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम मेथड ना यूज करके हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करने की कोशिश करेंगे। चलो मान लो इसको हमने 15 बना दिया, 3/4/15 कर दिया, 5/15 कर दिया, 8/16। तो हमने ये कोशिश किया कि पहले हम ये देखते हैं कि किस किस को डिनोमिनेटर को सेम कर सकते हैं। अच्छा एक चीज और ध्यान देना है कि ये सिर्फ प्लस के लिए नहीं है, माइनस के लिए भी सेम प्रोसेस यूज होगा। बीच में मान लो हमने कहीं माइनस डाल दिया, यहाँ माइनस डाल दिया, तो बीच में बस यहाँ माइनस आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने क्या किया, पहले हमने ये देखा कि 2 का मल्टीपल वाले टर्म्स कौन कौन से आएंगे, ये वाला आएगा, ये वाला आएगा और ये वाला आएगा। ये 5 का मल्टीपल है तो उसको हमने अलग कर रखा अभी, तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/8 और ये हो जाएगा, सॉरी ये है 1/8 और ये हो जाएगा 2/16, ठीक है 2/16। अब हमने क्या किया, यहाँ 16 दिख रहा है, यहाँ 8 दिख रहा है, यहाँ 2 दिख रहा है, बाकी को हमने ऐसे ही रख दिया। अभी ये 5 वाले टर्म्स को ये 4/15 रहने दिया ऐसे ही। अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करना है हमको, ऐड करना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया 16 बन जाएगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे क्या आ जाएगा 16 बन जाएगा, और ये ऑलरेडी 16 है, तो अब हमारा इसका वैल्यू जो आएगा ये सब में डिनोमिनेटर इक्वल हो गया, 16 हो जाएगा। यहाँ देखिए 8 और यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 2, तो 8 + 2 = 10 + 2 = 12 हो जाएगा। और इसको भी वही काम कर लेते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, इनको अलग ऐड करते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन जाएगा 15, ये जाएगा 9 + 4। अब इसको ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा, हमने ऐड किया था तो अभी आया था हमारा 12/16 और +13/15, ठीक है। तो देखिए अब इसको सॉल्व कर लेना, बस आपका आंसर जाएगा। जैसे मान लो अब इसको ऐड करोगे तो 12/16 + 13/15, बस अब इसको भी अगर करना है तो आप उसी मेथड से कर लो, थोड़ा और अगर चाहे तो इसको हमने 4 से कैंसिल कर दिया, हो जाएगा 4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या फिर से वही काम कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ये ज्यादा आसान हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 15 × 4 = 60 हो जाएगा और ये जाएगा 45 + 52, तो ये जाएगा 79 और ये 60, ये आपका सर जाएगा। ठीक, किसी भी डिजिट का चाहे कितना हो बड़ा हो, कई बार हम लोगों को क्या रहता है, जैसे मान लो ABCD टाइप का कोई फ्रैक्शन आता है, मान लो A + B या B + C यहाँ दे दिया और यहाँ दे दिया C/E + F दे दिया, ऐड करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई मल्टीप्लीकेशन मेथड से भी कर सकते हो, या क्या करो डिनोमिनेटर इक्वल कर लो, तो यहाँ B + C है, यहाँ E + F है,
तो ई प्लस एफ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ बी प्लस सी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो। तो उस मेथड में आपको कोई भी क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे कैलकुलेशन करना मुश्किल हो जाता है, आसान रहता है। और वो वाले जो एलसीएम मेथड रहता है उस मेथड में थोड़ा कैलकुलेशन करना या मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। हमने आपको पिछले लेक्चर में आपको बताया था ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर मेथड से, ए प्लस बी के होल स्क्वायर मेथड से हमने बताया था आपको किसी भी नंबर्स का होल स्क्वायर निकालना, ठीक है। जैसे हमने बताया था 12 का होल स्क्वायर निकालना है, तो इसको हमने माना था ए माना था, इसको बी माना था, तो ये क्या हो जाता है, पहले हमने इधर से लिखना शुरू किया था, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4, फिर 2 इंटू 2 यानी 2 और 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 ए बी तो 2 इंटू 1 इंटू 2 यानी 4 हो जाएगा, फिर 1 का स्क्वायर यानी 1 हो जाएगा। तो इसी मेथड से हमने आपको बोला था कि इसी मेथड से किसी भी नंबर्स का, चलो हमें क्यूब निकालना बताते हैं। तो क्यूब निकालते कैसे हैं, पहले हम फार्मूला लिखते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब का। तो ये ध्यान रखना है कि जो इस फार्मूले को आपको इसी तरीके से लिखना है, ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ठीक है। जैसे मान लो हमें 12 का क्यूब निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 12 का क्यूब यानी 2 का, इसको मान लो ये ए है और ये क्या है, ये बी है, तो बी का क्यूब यानी 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 3 ए स्क्वायर 3 ए बी स्क्वायर यानी 3 इंटू 1 इंटू 2 का स्क्वायर यानी 4 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 का हम लोग लिखेंगे 2, बचेगा रिमाइंडर 1, कैरी कर लेंगे यहाँ आ जाएगा 1, फिर 3 इंटू ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर इंटू बी तो हो जाएगा 3 इंटू 2 6, ये हो जाएगा 3 इंटू 2 6 और कैरी 1 बचा हुआ था तो हो जाएगा यहाँ 7, ठीक है। और फिर 1 का क्यूब यानी 1 तो ये हो जाएगा 1728, किसका, 12 का क्यूब, 12 का क्यूब निकालना आपका आ गया। चलिए मान लें हमें कोई और डिजिट पे लिया, 23 का हमको क्यूब निकालना है, तो हमने क्या कर लिया, 3 का क्यूब यानी हो जाएगा 27, 3 का क्यूब 27, बचा कैरी 2, इसके बाद 3 ए बी स्क्वायर तो 3 इंटू 2 इंटू 9 हो जाएगा कितना, 18 3 54, 54 और 2 56 को 6 5 बचा, ठीक है। फिर से 3 इंटू ए स्क्वायर बी 4 और 4 इन 3 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36, 36 और 5 41, 41 का 1 लिखा 4 कैरी बचा, ठीक है। इसके बाद 2 का क्यूब तो 2 का क्यूब हो जाता है 8, 8 और 4 12 तो ये आपका आंसर जाएगा किसका, 23 का होल क्यूब का। अब जैसे मान लो ये थोड़ा आपको लग रहा होगा कि वह काफी टिपिकल हो रहा है, तो आप कैसे करोगे, जल्दी जल्दी अगर मान लो आपको करना है तो मान लो हमें 32 का क्यूब निकालना है, ठीक है, आसान है 32 का क्यूब निकालना। आप देखो जल्दी जल्दी करना है या आपके दिमाग में सॉल्व करना है तो बस 32 का क्यूब लिख लो और आप आंसर लिखते जाओ, 2 का क्यूब 8 हो गया। फिर आप क्या करो, पहले इसका स्क्वायर, वहां देखो वहां पे इसका स्क्वायर है फिर बाद में इसका स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, 12 इंटू 3 करना है यहाँ पे तो 36 का 6 बचा, ठीक है, बचा कैरी कितना बचा 3, उसके बाद इसका स्क्वायर करना है तो 9, 9 टू जा 18, 18 और इसके बाद 3 का क्यूब लिख लो कितना जाएगा 27, 27 अप्लाई प्लस 5 32 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर जाएगा 32768, ठीक है। आप इस तरीके से किसी भी नंबर का क्यूब निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका रहा पहला लेक्चर जिसमें हमने आपको क्या निकालना सिखाया, स्क्वायर निकालना सिखाया और किसी भी नंबर का क्यूब निकालना आपको बताया, इस तरीके से आप क्यूब निकाल सकते हो, किसी भी नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आपको सिखाया, फ्रैक्शन आपको फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिखाया। इन द केस अगर आपको और कोई ऐसा टॉपिक लगता है जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।